हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एचएम किराना स्टोर में। दोस्तों आज बात करेंगे हम 1 रुपया वाली मेलोडी चॉकलेट का होलसेल रेट आपको बताया गया। दोस्तों अगर कोई होलसेलर, जो बड़ा होलसेलर डायरेक्ट कंपनी से खरीदता है, जो कार्टून में खरीदता है, 10-12 कार्टून लेता है, तो उसको ये कितने में पड़ता है? या फिर एक रिटेल दुकानदार अगर कार्टून खरीदता है तो होलसेलर से वो कितने में पड़ता है? कोई रिटेल दुकानदार जो छोटा है, रिटेल दुकानदार जो पैकेट में खरीदता है, 2-3 पैकेट इस तरह का खरीदता है, होलसेलर से जो खरीदता है, तो उनको ये कितने में पड़ता है? मैं आपको तीनों तीनों टाइप की आपको इसका रेट बताने वाला हूँ। आप इस चैनल में पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हर आइटम की मैं जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये है मेलोडी चॉकलेट 1 रुपया वाली, जो कार्टून के अंदर 1 रुपया वाली चॉकलेट की 48 पैकेट निकलती है। और एक पैकेट जो हमें मिलता है वो 195.95 ग्राम का एक पैकेट हमें मिलता है। मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ तो किस तरह का है ये पाउच में हमें मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह का ये पाउच पैकिंग में आता है, जो ये मेलोडी 1 रुपया पाउच 1 रुपया चॉकलेट है। दोस्तों इस पैकेट के अंदर, तो इसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी है 50 रुपया, और एक पैकेट का वजन है 195 ग्राम का। इस तरह की 50 चॉकलेट पैकेट के अंदर मिलती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो एक होलसेलर की, जो होलसेलर 10-12 कार्टून खरीदता है, तो उसको ये 1990 में उसको एक कार्टून पड़ता है, यानी उसको एक पैकेट 41 रुपये और 50 पैसे में एक पैकेट उसको पड़ता है, जो 10-12 कार्टून खरीदता है उसको। और ये 42 में रिटेल दुकानदार को सेल करता है पैकेट, यानी पूरा कार्टून अगर कोई रिटेल दुकानदार अगर लेता है, तो उसको ये 42 के हिसाब से वो कार्टून बेचता है, यानी 2015 में उसको रिटेल दुकानदार को बेचता है। कार्टून पर उसको 25 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता है होलसेलर को। दोस्तों अगर रिटेल दुकानदार अगर कार्टून ला के छुटकर में बेचता है, तो उसको 42 रुपये पड़ता है, यानी 2015 में पूरा कार्टून उसको रिटेल दुकानदार को पड़ता है। और ये छुटकर में अगर वो बेचता है, तो उसको एक पैकेट पर 8 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता है एक पैकेट पर, यानी अगर पूरा कार्टून अगर वो सेल करता है, तो उसको 384 रुपये का पूरा कार्टून पर उसको प्रॉफिट मिल जाता है। अगर कोई रिटेल दुकानदार कार्टून ला नहीं सकता, छुटकर में 1-2 पैकेट लाता है, तो उसको ये 44 रुपये पड़ता है एक पैकेट। रिटेल दुकानदार को 6 रुपये का प्रॉफिट इस पैकेट बेचने पर मिलता है। तो दोस्तों अगर आप कार्टून खरीदेंगे होलसेलर से, तो आपको ये 42 रुपये एक पैकेट पड़ेगा। अगर कोई बड़ा होलसेलर अगर डायरेक्ट खरीदता है, तो उसको 41.50 रुपये में उसको पैकेट पड़ता है कार्टून। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में इन तीनों टाइप की प्राइस बता दी है। अगर आपको ये वीडियो में अच्छी जानकारी मिली है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।